मगर तुमने सीमांचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया। अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, उस डिग्री कॉलेज को नाम के लिए खोल दिया गया, कोई पूछने हाल वहां पर नहीं है। यहां पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया, वहां पर डॉक्टर नजर नहीं आते। AIMIM प्रमुख और सांसद औसुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे को लेकर राजद की पैनी नजर है। राजद ने अपनी संगठन के नेताओं और सीमांचल इलाकों के विधायकों और सांसदों को सजग रहने को कहा है। दरअसल आपको बता दें कि राजद अपने कोर वोट बैंक को एकजुट रखने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसी के तहत महागठबंधन की रैली पहले ही पूर्णिया में आयोजित की जा चुकी है। वहीं 2020 के विधानसभा आम चुनाव के बाद AIMIM के 5 निर्वाचित विधायकों में से 4 को राजद में शामिल किए जाने के बाद से ही राजद अपने समर्थकों को भ्रमित करने का मौका नहीं देना चाहता। पार्टी सूत्रों की माने तो संगठन के स्तर पर पार्टी के प्रदेश महासचिव स्तर के पदाधिकारियों को प्रमंडल स्तर पर बिहार के अन्य प्रमंडलों सहित पूर्णिया और कोसी प्रमंडल में शामिल जिलों में भी जिम्मेदारी दी गई है। इनका कार्य पार्टी जिलाध्यक्षों से संपर्क बनाने की है। वहीं आपको बता दें कि पूर्णिया प्रमंडल में शामिल जिलों पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार तथा कोसी प्रमंडल के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा की जिम्मेदारी 2 प्रभारियों को सौंपी गई। इसके अतिरिक्त पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्षों से वस्तु स्थिति की फीडबैक भी ली जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ओवैसी की 2024 के लोकसभा आम चुनाव एवं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को एक बार फिर से सशक्त करने की कोशिश में लगी है। शनिवार और रविवार को औसुद्दीन ओवैसी के दौरे के क्रम में 4 लोकसभा एवं 24 विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सीमांचल इलाके में महागठबंधन में शामिल दलों को पूर्व से ही अवसर मिलता रहा है कि ऐसे में महागठबंधन का प्रमुख घटक राजद अपनी सीटों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना। तूफान की मौत हुई तो यकीनन तुम्हारी पार्टी का भी उसमें साथ रहा। अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, नीतीश कुमार कभी अपने गिरेबान में झांक कर भी आप देख लो कि आप कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुख्यमंत्री तो आप बन गए, मगर आपने हमेशा धोखा दिया। आज मजलिस के अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने और नीतीश कुमार ने दौलत के बलबूते के ऊपर इनका ईमान खरीद लिया। और अगर कोई ये समझ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने धोखा दिया है, याद रखो मुझे कोई धोखा दे या दे भी सकता है, मगर तुमने सीमांचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया। तुमने बैसी की आवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया, जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम विधानसभा में जाकर यहाँ पर इस विधानसभा के गरीबों की आवाज को उठाओगे, तुम सीमांचल की लड़ाई को लड़ोगे, मगर ये लोग अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी जाती मकासिद की तकमील के लिए वो वक्त के हुक्मरानों के आगे अपना सब कुछ बेच दिया। मगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अख्तरुल ईमान आपके सामने खड़े हैं, नदीम है, महफूज है, हरमूज है, आदिल है, हम सब आपके सामने खड़े हैं। इसलिए खड़े और खड़े रहेंगे कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारे मकसद यह है कि सीमांचल से इंसाफ हो। आप देख लीजिए कि इस विधानसभा में डिग्री कॉलेज खोला गया, उस डिग्री कॉलेज को नाम के लिए खोल दिया गया, कोई पूछने हाल वहां पर नहीं है। यहां पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया, वहां पर डॉक्टर नजर नहीं आते। तो ये तमाम लड़ाई लड़ना है हमको और आपको, जो लोग छोड़कर जा चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको बैसी की जनता उनको हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ने वाली है। जिन्होंने गैरों के दामन को थामा है,
तुमने अपनों को धोखा दिया है और अपनों के डर से तुमको धुतकार दिया जाएगा। तुमको मुबारक हो गैरों की चौखट, तुमको मुबारक हो सत्ता की वो इज्जत जो चंद दिन की इज्जत होगी, बेइज्जती इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुखद्दर बनेगा। जिन्होंने जिन्होंने गरीबों से धोखा दिया है, तारीख गवाह है, इंसानियत की तारीख गवाह है, जिस किसी ने गरीबों के पीठ में खंजर भोंपा।